हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मिठाई की रेसिपी वाकई सबसे एकदम डिफरेंट है, क्योंकि ये मिठाई आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से। जी हाँ, ब्रेड से, आपने सही सुना। और ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी है। आप एक खाने के बाद दोबारा ज़रूर खाएंगे। तो चलिए इस यम्मी मिठाई की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस मिठाई के लिए सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड। यहाँ मेरे पास छोटे साइज़ के ब्रेड है, आप मीडियम साइज़ के ब्रेड या बड़े साइज़ के ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इन सभी ब्रेड के कॉर्नर्स को नाइफ की हेल्प से कट कर देंगे। और कट करने के बाद में हम उसको बीच में से भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अगर आप बड़ा ब्रेड यूज़ कर रहे हो तो वो चार पीसेस में कट हो जाएगा। तो देखिए, सभी को हमने कट करके रेडी कर लिया है। अब मैंने एक पैन में घी गरम करके रखा हुआ था, उन सारे ब्रेड को मैं घी में फ्राई कर लूँगी। यहाँ हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है और दोनों साइड से हम इसे फ्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि ईजी और यमी रेसिपीज़ आप तक आती रहें। तो देखिए, दोनों साइड से, अभी एक साइड से मेरा ये ब्रेड अच्छे से ब्राउन कलर में हो चुका है। तो अब मैं इनको एक करके पलट दूंगी, जिससे कि ये दूसरे साइड से भी अच्छा ब्राउन कलर आने तक शेडो फ्राई हो जाए। तो अभी जैसे ही हमारा दोनों साइड से ब्राउन कलर अच्छा वाला आ जाएगा तो हम फिर इनको निकाल लेंगे। देखिए, अच्छा कलर आ चुका है दोनों साइड से, तो अब इनको वन बाय वन करके हम निकाल लेते हैं। तो अभी हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने लिए 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। हमें एकदम नॉर्मल चाशनी बनानी है, कोई एक तार या दो तार की नहीं। और फिर उसमें मैंने डाल दिया इलायची पाउडर और उसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे जब तक कि वो थोड़ी सी थिक ना हो जाए। तो देखिए, मेरी चाशनी बन के रेडी है और मैंने जो फ्राई किए थे ब्रेड, मैं उन सभी को चाशनी में डिप कर दूंगी करीब 1 मिनट के लिए, जिससे कि वो चाशनी ब्रेड के अंदर अच्छे से हो जाए और ब्रेड हमारी मीठी हो जाए। तो देखिए, अच्छे से चाशनी ब्रेड में आ चुकी है। तो अब इस टाइम पर मैंने एक बर्तन में छन्नी लगा के रख दी है, जिससे कि मेरी जितनी एक्स्ट्रा चाशनी होगी ब्रेड की वो निकल जाए। तो मैं सारे ब्रेड को ट्रांसफ़र कर दूंगी छन्नी में और उसकी जितनी भी, इसको छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए, जिससे कि सारी चाशनी एक्स्ट्रा जितनी रहे वो निकल जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट पाउडर और उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, जिससे कि हमारी मिठाई में जो है चॉकलेट का एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। और इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब सब चीज़ें रेडी है, अब मिठाई को हम बनाना स्टार्ट करते हैं, फाइनल लुक देंगे अब उसको बना के हम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मावा, ये सिंपल प्लेन मावा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने चाशनी में डिप किए हुए ब्रेड तो मीठा तो हो गई। आप चाहो तो इसमें चीनी या पाउडर शुगर आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक ब्रेड का पीस लिया है और उस पर मैंने मावे को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। हमें मावे की कोई बहुत थिक लेयर नहीं लगानी है। तो मैंने अच्छे से ब्रेड के ऊपर मावे को स्प्रेड कर दिया। तो जब हमारा अच्छे से ब्रेड पर स्प्रेड हो जाए मावा, फिर मैंने दूसरा टुकड़ा लिया है ब्रेड का और उसको इसके ऊपर से मैं लगा दूंगी। बाकी सबको भी हम इसी तरीके से लगा लगा के रेडी कर लेंगे। तो जब ये लग के रेडी हो जाए तो जो मिक्सचर हमने बनाया था कोको का और कोकोनट पाउडर का, तो उसमें हम इसे अच्छे से चारों तरफ से बाइंड कर लेंगे, जिससे कि हमारे मिठाई के ऊपर एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। तो देखिए, मिठाई बन के एकदम रेडी है। बाकी सबको भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। तो सारी मैंने मिठाई को वन बाय वन करके रख दिया है और इसको थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी टेस्टी लगेगा। तो मैंने बस ऊपर से थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इसमें टूटी फूटी लगा दी है।